स्वागत है दोस्तों आपका केपी कंप्यूटर्स में। तो आज बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस की एक नई सीरीज चालू हो रही है, तो आज देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चन आज के। नंबर 1, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका हो जाएगा बी, संगणक। सीपीयू का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका हो जाएगा ए। नंबर 3 क्वेश्चन, निम्नलिखित में WWW का सही रूप क्या है? तो इसका ए नंबर हो जाएगा। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो ये सारे ही कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, एक टाइप के भी कंप्यूटर्स होते हैं, तो इसमें ऑल कर देंगे। कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो कंप्यूटर मतलब प्रोसेस कैसे करता है, तो सबसे पहले इनपुट होता है कंप्यूटर में, इनपुट किया जाता है डाटा, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर वो आउटपुट में बदलता है। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या हैं? तो ये सारे कंप्यूटर के विभिन्न घटक हैं, तो इसका डी हो जाएगा। 7वें नंबर पे आते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या अंतर है? इन दोनों के बीच क्या अंतर है? तो सी नंबर इसमें रहेगा सही। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है जबकि हार्डवेयर निर्देश का पालन करता है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। इंटरनेट क्या है? इसका ए नंबर हो जाएगा। कंप्यूटरों का एक विस्तार नेटवर्क, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ईमेल कैसे काम करता है? तो इसका भी ए नंबर हो जाएगा। ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है, तो इसका नवे नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा। कंप्यूटर की सुरक्षा में विभिन्न प्रकार जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर की सुरक्षा हो गया, हार्डवेयर की सुरक्षा हो गया, डाटा की सुरक्षा हो गया, तो ये सब इसी प्रकार में आते हैं, तो इसमें का डी नंबर सही हो जाएगा। WWW के संस्थापक कौन है? इसका सी नंबर सही हो जाएगा। टीम बर्नर्स-ली। 12वां नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के शब्दावली में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है सी नंबर, प्रकाश ब्रह्मा। इसका कोई भी काम नहीं है कंप्यूटर के क्षेत्र में। आज तक सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक अंग कंप्यूटर में क्या था? तो इसका हो जाएगा ENIAC। ये पहला 15वें का ए नंबर सही हो जाएगा। हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, CPU। M2M हो गया, P2P हो गया, B2B, business to business, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म है। ये इसका हो जाएगा M2M का, मशीन टू मशीन।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका भी वही चीज़ हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर में सबसे मेन क्या होता है, सीपीयू होता है। इंटरनेट के जनक कौन है? इंटरनेट के जनक यही टीम बर्नर्स-ली होगा। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये 20 क्वेश्चन आज की सीरीज़ में थे, कल की सीरीज़ में और 20 क्वेश्चन होंगे। इनको अद्यतिक यूज़ होते हैं, जैसे कि आप कोई भी कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं, जैसे CCC हो गया या कोई भी ओ लेवल टाइप का हो गया या कोई भी सिंपल पेपर हो गया, ऐसे क्वेश्चन हर जगह फंसते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी फंस सकते हैं, जैसे कि आप तैयारी करते हैं उसकी। तो क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।